सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है 23 अप्रैल और अभी टाइम हो रहा है 7:05। मैं जानता हूँ बहुत सुबह ब्लॉग चालू किया है, जस्ट मैं सो के उठा था। तो अब सुबह की स्टार्टिंग के ब्लॉग कर लेते हैं। आपने अभी देखा कि नेचर की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, ये रिलैक्सिंग आवाज़ आती है। तो आप इसको अगर ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, आपका पूरा दिन रिलैक्स्ड फील रहेगा आपको। अभी देख सकते हैं आप कि चिड़िया आ चुकी है, बहुत सारी चिड़िया है यहाँ पे, जैसे मैं अभी फोकस करके दिखाऊंगा आपको। तो इनसे आपका एकदम मूड अच्छा हो जाता है, एकदम शांति अपने अंदर आ जाती है आपके। और लॉकडाउन तो बढ़ते ही जा रहा है और कोरोना केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, देखते हैं क्या करेंगे। आज पानी नहीं आएगा नगर निगम वाला, जो पानी आता है टैप वाटर, तो हम अभी अपनी कूलर की टंकी भर लेते हैं और ऊपर पेड़ को पानी भी दे देते हैं। तो चलिए कूलर पे पहले पानी भर देते हैं। कूलर में पानी भरना हो चुका है हमारा, अब चलते हैं हम ऊपर पेड़ में पानी भरने के लिए। हमने पानी भरना चालू कर दिया, इस बाल्टी में पानी भर के हम ऊपर लेके जाएंगे और पानी डालेंगे हम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टाइम हो रहा है 5:15, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। 2 मिनट सांस ले लेता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। तो सांस ले लिया मैंने और रास्ता पूरा खाली हो चुका है, कोई नहीं है यहाँ पे एक्सेप्ट एक गाड़ी वाला, जैसे ही मैं बात किया तब आ गया। और एकदम पूरा शांति हो गया, अभी भी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। मैं अब बोर लगने लगा, 26 तारीख तक लॉकडाउन हो चुका है जबलपुर में, और इतना अच्छा नहीं लगता है घर पर, कुछ कर भी नहीं पा रहे हम। मैं सोचा था कि 20 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा कल, तो हम बाहर जाएंगे थोड़ा घूमेंगे। तो आज हम खेलेंगे बैडमिंटन, आपको भी दिखाएंगे। जब तक हम बैडमिंटन का पूरा जुगाड़ करते हैं, तब तक आप इस टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिएगा। हमारा रैकेट, इसको हम खोल लेते हैं। अभी तो हमें थोड़ा देर अकेले ही खेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी देख सकते हैं धूप बहुत ही ज़्यादा है और टेम्परेचर है अभी 38। हाँ सही है, 38 ही है टेम्परेचर। इसको ओपन कर लेते हैं, एक हाथ से ओपन करना, ये थोड़ा सा टफ है। हाँ, चेन कागज़ी चाहिए, हमें इसको खोल लिया। ओ भाई, गिरते गिरते चाहिए, निकाल लेते हैं। अब ये हम निंजा टेकिंग करेंगे थोड़ा, ठीक है, क्या निंजा टेकिंग रख देते इसको अच्छे से। तो ये हमारा रैकेट, इसमें थोड़ी हमें ट्रिक्स आती हैं, वो दिखाते हैं हम आपको। ये सही था, ये भी आता है, ये सब ही आता है, खेलते तो बनते ही नहीं हमसे। अब चलिए शटल निकाल देते हैं, यहीं पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे इसके साथ, शटल निकाल लेते हैं। सो तो 2 से 3 दिन के पहले मैं व्लॉग में आपको बता रहा था कि ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे, वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा है। एक्चुअली वहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, वहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट लगा है जो हॉस्पिटल ने खुद से लगवाया है वो प्लांट, तो जो उनके लिए अच्छा रहेगा यहाँ पे। हाँ, और बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो, शेयर नहीं करते ना, सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब कर दो यार, कुछ नहीं होता है उससे, मतलब आपके लिए कुछ नहीं होता, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। अरे लॉकडाउन देख तो कम्प्लीट नहीं हो रहा है ना, मज़ा नहीं आता यार। फ्राइडे है, सैटरडे संडे पूरा लॉकडाउन रहता है, और आई होप मंडे तक एक चीज़ आ जाएगी जिससे बहुत मज़ा आएगा हमें इसको दिखाने के लिए आपको। और बहुत सारे कंटेंट सोच कर रखा था, मैं जाऊंगा थोड़ा घूमने के लिए लॉकडाउन के बाद, आपको दिखाऊंगा जबलपुर की बहुत अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं जो आई होप आपको ना पता हो, एकदम अच्छे अच्छे सीनिक व्यूज़ है। सुबह आपको दिखाया था मैंने चिड़ियों की कितनी अच्छी आवाज़ आ रही थी, एकदम मन एकदम सुकून से भर जाता है। आई थिंक आज हम दूध लेने जाएंगे वापस, तो आज फिर से आपको रास्ता दिखाएंगे, पूरा खाली हो चुका है और पुलिस अब स्ट्रिक्ट हो चुकी है ज़्यादा। एक्चुअली मैं देख रहा था यहाँ से, दिखता है छत से, जो आपको दिखा था छत यहाँ से था, ये जो छत है ऊपर, वहाँ से आपको दिखाया था मैंने। तो पुलिस थोड़ी स्ट्रिक्ट हो चुकी है अभी, वही देखते हैं क्या होता है। चलेंगे हम, आपको रास्ता भी दिखाएंगे रास्ता कैसे है। तो आज हम जाएंगे सामने से मेन रोड से, थोड़ा डाइवर्ट करके जाएंगे जिससे थोड़ा और घूम सके, क्योंकि जनरली निकलते नहीं है यार लॉकडाउन में। अभी सिर्फ दूसरी बार निकल रहा हूँ मैं, दूसरी बार, एक बार 3-4 दिन पहले निकला था जिसे मैंने डाला था ब्लॉक, क्योंकि गाड़ी चलाना भूल चुका था मैं, लिटरली भूल चुका था। तो चलते हैं आज, देखते हैं क्या होता है। चलते
रखा है दूध लाने के लिए। तो गाइस हम अब दूध की दुकान में पहुंच चुके हैं, अब से दूध लेने के बाद मिलते हैं। रास्ता खाली था, अभी भी ज़्यादा लोग नहीं है। मेरे को ये बताओ ये है क्या, ये जो घूम रहा है ऊपर है क्या? मैं जब बचपन से देख रहा हूँ समझ में नहीं आता है क्या ये। आई वॉन्ट टू नो वॉट इज इट मेन कमेंट फर्स्ट, जल्दी बताओ यार क्या ये। हमारा मास्क चेंज हो चुका है और हम दूध लेके आ भी चुके हैं, ज़्यादा घूमा नहीं तो ऐसे डायरेक्ट गए दूध लेने और वापस आ गए। कर लेते हैं इस गेट को और आपको दिखाते हैं वो ऑक्सीजन की मशीन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। डू यू वॉन्ट टू गिव इंटरव्यू टू मी? आई एम हेलो